हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज ठंडक बहुत ज़्यादा है। मैं कैप अप लगा ली हूँ। अभी मेरा काम स्टार्ट होने जा रहा है, ब्लॉग के साथ बनने के। मैं साड़ी कैसे पहनी हूँ, ऊपर से करके नीचे तक कैसे पहनी हूँ, स्वेटर नहीं। तो गाइस, यहाँ पे देखे मेरी बन रही है सुबह मॉर्निंग की चाय। तो आई होप आप लोग भी चाय पी लीजिए। आइए हम चाय आप लोग को भी पिला देते हैं। बहुत गर्मा गर्म चाय, बहुत टेस्टी चाय बन रही है। तो आ जाइए, मॉर्निंग का ठंडक में ना चाय तो एकदम आहा, क्या बताएं। इतनी अच्छी सी चाय बॉयल हो रही है, देखते ही मुँह में पानी आ जाए। वाह वाह। और यहाँ पे मैं रखती हूँ बैगन की कलौजी, बन रही है सारा बर्तन। चलती हूँ फटाफट मैं बाबू को उठाने। और इधर मेरा चाय जो बन रहा था, चाय भी हो गया और इधर दाल हो गया। चलती हूँ काम करने। गर्म गर्म पानी है नहाने के लिए। उठ जाओ, गुड मॉर्निंग हो गई। लड्डू पेड़ा, इतने भी सर इतने ज़्यादा ठंडक है कि चार चार कंबल ओढ़ ले रहे हैं हम लोग, ढक ले रहे हैं अपने आप को। और ये देखिए, अभी बिस्तर में पड़ा ही है, आज इसको स्कूल नहीं जाना है। बच्चा उठ जाओ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे एवरीवन, एवरीवन में कौन है? कोई नहीं, बस लड्डू है मेरा। उठ जाओ, और मुँह से मक्खी गया निकला। उठिए, 9 बज रहा है। हाँ ओए लड्डू, 9। तो गाइस, पक्का पूरा पूरा ठंडक के समय बजा है 9:15। और हम लोग अभी 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 मैं इस तरीके से हूँ। मैं तो पहनी हूँ साड़ी, लेकिन ए फिर उसी घुसा जा रहा। देखिए कैसे घुस रहा, कैसे 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 कंबल के अंदर जा रहा है। अभी मैं उठा रही हूँ तो दिखाई दिया, इसके दांत दिखाई दिए। दांत ढक लिया। और जाते रात को, इशू हमेशा यहाँ पे लेके ये सोते। कारण क्या होता है कि रात को जब सोया जाता है ना, तो जितनी भी मच्छर हैं वो क्या करती हैं, गाना गाती हैं, हम लोग को लोरियाँ सुनाती रहती हैं। तो ये उठते हैं, ता 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 मारना स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसे ही करते। तो चलिए अभी हम चलते हैं काम, बाबू को उठा लेते हैं और करते हैं काम। और सुबह की मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट हो गया है, तो ब्लॉग के साथ फुल बनी रहिएगा। पूरा डिटेल से आप लोग के साथ शेयर होगा पूरी ब्लॉग। छुए जी, छू दे इसको, ठंडा ठंडा। ये है चाय, ये है बिस्किट। अब ये प्लेट में होगा स्टाइल से, तब पिया जाएगा। इतनी कड़ाके ठंडक थी। और बच्चे देखिए किस तरीके से यहाँ पे खेल रहे हैं, ये सब छुपा छुपाई, ये सब। तो मैं वही देखी तो मैं पूछ रही, मैं गेट के आई कुछ काम करने, झाड़ू उठाने। तो मैंने अपने बच्चे से खेल रहे, मुझसे रहा नहीं गया उन सबको ठंडक में यहाँ दौड़ते हुए देखते हुए। तो डॉगी भी दौड़ा लिया उन सबको, ऐसे ही दौड़ रहे। क्या जी, तुम लोग को ठंडा नहीं लग रहा, दौड़ रहे हो सुबह सुबह? तुम लोग को ठंडा नहीं लग रहा है जी? ओ दौड़ा लिया डॉगी। बच्ची बूढ़ी हो चुकी, इसके दांत हिल रहे हैं। ये मेरी काम करने वाली जो थी पहले वाली, वही है जो साड़ी उड़ी पहनने काम करती थी। और मच्छर मारने वाली, इसके कई गुण है इसके अंदर जो आप लोग देख सकते हैं। ये हर गुड़ को अपना लेती है। और कलाकार तो एक नंबर की है, कोई चीज उतार ना हो। पर दिमाग से पूरी खसकी हुई है। अच्छी है दिमाग से पूरी। सुनिए पहले इधर आइए, ये उठाइए, ये दोनों बेड में डाल दीजिए, बस इतना डाल दीजिए, दोनों बॉटल और मग्गा। वो ये ट्रे भी नहीं थी, बस ये दोनों, बस इतना ही बेड में डाल दीजिए। और वो जो कांच वाला रखा हुआ बाहर, उसको भी डालना है। कांच वाला जो बाहर रखा अब हुआ, आप नहीं रखेंगे उसे, हम रख देंगे। आप खोल के कल संभाले हैं। यहाँ तो मेरी भाई को कंबल फैला रही है, इतना तेज चिल्लाते हैं। उसे करो चले बेटा, इसको जो छत्ती में डालो बेटा। तो
ये वाले का शौच खत्म हो गया है, ये पिछले मंथ का था और मैंने कैप उप लगाई हुई कोमो कुछ भी नहीं किया इस तरीके से है, तो इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल के इसमें पलट देती हूँ क्योंकि ये बॉटल अब हटाना है। ये ना पूरे किनारे किनारे ऐसे लग जाता है, और इस बॉटल को अब हम डाल देते हैं कूड़े खाने में। दादी कब कलाकार थोड़ी ना, इस बॉटल को हटाते हैं। बेबो वो हटा दो, अरे कोहरा यार तो कभी नहीं हो रहा। ये यहाँ पे डाल दे, जब कूड़े वाले भैया आएंगे तो इसे ले जाएंगे। हाँ क्या हो गया उसके तरह है, जो नहीं होता है। क्या होता है? अरे क्या होता, क्या होता है? जमीन पर हम लोग साफ करते हाँ। वीडियो 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 नहीं, वो देख लिए, तुम काम करो अपना, चलो हम बोले। तो गाइस वेकिंग मॉर्निंग, देखिए मम्मी जी ने लाइट बंद कर दी हमारी किचन की और मैं कर रही हूँ काम। तो आज इतनी ठंड पड़ी मुझे इस तरीके से, अभी मैंने कॉम वॉम भी नहीं की, इस तरीके से पड़ी हूँ। मुझे बाल संभले थे, बहुत डंडर बहुत ज़्यादा, बट ठंडा भी है, देखते हैं क्या होता है। अभी तो फिलहाल कैप लगा के ऐसे ही रहूँ। तो गाइस बिल्कुल अभी मैं चले हूँ अपनी किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ, और क्योंकि खाना वगैरह सारा काम हो गया है, बट ये ब्लॉग जो जाएगा, ये ब्लॉग जाएगा कल, और जो अभी इसके पहले का जो ब्लॉग हम लोग का है घूमने वाला, बहुत सारे प्यारे प्यारे से मूवमेंट है वहाँ का, क्या क्या है सारनाथ का, तो वहाँ पे आप लोग भी इंजॉय करिएगा। आज पड़ जाएगा ये वाला ना, रीजन था और भी चीज था, बट काफी ज्यादा लेट हो रहा है इसलिए वहाँ पे पूरा दिखाया नहीं गया। अगली बार नेक्स्ट बार में कभी होगा तो मैं पूरा देखू, क्योंकि हम लोग को जाने में भी लेट हो गया है यहाँ से। बेटा इसको नहीं खोले, खोल दो इसको नहीं, ये जो है अच्छा हटिए हटाइए। तो वहाँ पे हुआ क्या कि हम लोग को लेट हो गया था यहाँ से निकलने में, फिर फर्स्ट ईयर था, साल का पहला दिन था, जिसके कारण इसमें गंदे बेटे दीदी से निकलवा लो पहले पकड़ो, तो इसीलिए हम लोग पूरा नहीं घूम पाए। हाँ मैं तो पहले का एक बार घूमी थी, बच्चों लोग को अपने नहीं दिखा पाई पूरी चीज़ें। तो फिलहाल जो भी है जितना भी है आप लोग तो देखेंगे इंजॉय करेंगे ही, उसे कर लिए होंगे उस वीडियो भी कर लेंगे ये वाला, क्योंकि वो ब्लॉग अभी तो गया नहीं है, ये दूसरा ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो गया है। और मैं सोच रही हूँ आप लोग को कुछ नई नई चीज़ें अलग अलग से थोड़ा सा दिखाऊँ, कुछ समय दूँ आप लोग के साथ की जाए, आप लोग हमें समय दे सके, हमारे चैनल को कुछ अच्छा दे सके, लेकिन कोशिश करती हूँ क्योंकि ठंडक तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोशिश करूँगी मैं कहीं और जाऊँ, कुछ और भी आप लोग के लिए वीडियो ले आऊँ, अच्छा से अच्छा काफ़ी कई चीज़ें दिखाना चाह रही हूँ, बट देखती हूँ कहाँ से क्या होता है। जाइए दीदी साफ करा लीजिए। तो अभी तो फिलहाल मैं काम कर रही हूँ, काम करने में चावल चढ़ा ले रही हूँ, चावल चढ़ा रहा अभी बात करती हूँ हस्बैंड से, देखते हैं वो क्या उनका क्या रिएक्शन है मेरे साथ मेरी बात तो का अभी तो ऐसे रात का रिएक्शन इतना बड़ा हो गया झटके दिल पे मारे झटके हो गए और ऐसी गाड़ी के हमें फोन से बात भी नहीं करने देते हैं। सोच लीजिए मेरे फोन आते हैं मुझे बात नहीं करने दिए जाते हैं, कैसे ये है ना इंसाफी है मेरे साथ। और यहाँ मैं धुल रही हूँ चावल, अभी चावल मेरा नहीं चढ़ा था, चावल मैं थोड़ा लेट बनाती हूँ इसलिए कि थोड़ा गर्म गर्म रहे तो खाने में अच्छा लगता है। और ठंडी मैं चढ़ा लेती हूँ चावल, सब काम कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोग से। घर
के सारे कूड़े झाड़ू पोछे सारे काम हो जाएंगे, मेरा बच्चा कर डालेगा। और मेरा बेटा काम कर रहा है, देखिए किस तरीके से गंदे से तरीके से, बेवकूफ़ बच्चा है ना। हाँ, नई चीज़ें मिल गई है। श्रेया उठाइए। क्या जी, आप तो बहुत गंदे हैं आप। रात को मेरा फोन आता है और हमें बात नहीं करने देते। मेरे हाथों से फोन छीन लेते हैं, ये टाइटल आप लोग के साथ जरूर पड़ेगा। मेरे हस्बैंड किसी से बात नहीं करने देते। बता दो कहाँ है। नहीं बताएंगे, अब वो आप लोग खुद ही देखेंगे, ऐसे ही बात होती रहेगी। तो हम बता रहे हैं। तो गाइस आज जो है कि क्या हुआ कि आज मैं भी बाल धुली हूँ और अपने कॉटन एक कपड़े हैं ब्लू कलर, जिससे मैं अपने बाल को ऐसे, मेरा ब्लू स्वेटर अभी मैं बाल को चली हूँ थोड़ा सा धूप में लेके, तो आप लोग भी धूप में बने रहिएगा। और मेरा प्रॉपर जो काम था वो सारा हो गया है, तो ब्लॉग के साथ बने रहिएगा। ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और साड़ी तो मैं आज ऐसे पहनी हूँ कि स्वेटर को निकाल भी, क्योंकि देखिए पहनने का तरीका सबसे बढ़िया क्या होता है कि आप अगर स्वेटर को विंटर में हो, स्वेटर को पहनना है तो पहले आप स्वेटर पहनो, ब्लाउज पहनने बाद स्वेटर पहनो, स्वेटर पहनने बाद आप पल्ले को पिनअप करिए। इससे क्या होता है, आपका स्वेटर भी सेफ रहता है, आपका पिनअप साड़ी का पल्ला भी अगर आप आराम से ऐसे उठा के लगा सकते। नहीं तो क्या होता है ना, जब स्वेटर ऊपर हो जाता है और पल्ला नीचे होता है, तो आप जब निकालते हो या सर पे रखने के या इस तरीके से करने को, तो वो यहाँ पे उठा उठा अजीब सा लगता है। तो वो चीज़ें आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल बताई हूँ, आप ऐसे भी यूज कर सकती हैं कोई भी लेडी हो। तो अभी मैं चली हूँ ऊपर, आप लोग भी बने रहिए और मैं बाल चली हूँ सुखाती हूँ, उसके बाद बाल सुखाने के बाद आप लोग से, और वहाँ मैं वीडियो आप लोग के जो घुमाना है सनत का उसका मैं, तो यहाँ मेरा कपड़ा पड़ा है और मैं हाथ से ही कपड़े ले लेती हूँ। और क्या है, मेरा सॉक्स भी यहाँ पे मैं धुल के रखी हूँ सॉक्स। और रूम की लाइट वाइट बंद कर दूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लाइट है। बाथरूम भी बंद कर दूँ, बाथरूम तो ऐसे ही मेरा खुला रहता है, प्रदर्शनी समझिए लगी हुई है। और लाइट बंद करती हूँ, लाइट बंद करने के बाद अब मैं चल रही हूँ ऊपर। शरा गए आप लोग, उठिए, टाइम बहुत हुआ, फटाफट आप लोग उठिए, वहाँ सॉस वो सब हटाइए। नहीं, ओए बिना चप्पल की लड़की कैसे घूम रही हो। तो सामान हटाओ, बंदा नहीं करेगा ना स्कूल ना, तुरंत मैं से आ रहा है डीएम ऑर्डर करा पापा। अरे रात को ही मैसेज आ गया था, शाम को आया था, 6-7 बजे का, 7 बजे करीब आया था। हाँ, श्रेया पटे दे चेक कर ली है, और ये तो समाचार में सुना है बाबू खुश हो गया। अरे हम बोले कहाँ तुमको मालूम जी, का समाचार में बोल रहे थे डीएम आदेश है ठंडा के कारण। हम लोग मेरा ये पेंसिल दीदी साफ कर देगी बोल रहे हैं। हाँ बाबू भी खा लिया रूटर पे, इसमें डायरेक्ट आप कर सकते, डायरेक्ट लाइव स्ट्रीम, उसमें कोई मतलब झंझट नहीं है। कहाँ गया, देखिए इस पर ढेर सारा लाइव स्ट्रीम, यहाँ डायरेक्ट कर लेंगे। ये इससे क्या है, इससे सीधे आप डायरेक्ट, जैसे कि यूट्यूब में उतना करना पड़ता है, कितने टास्क मिलते हैं ना, इसमें सीधे आप अपना लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। और चैनल वगैरह जो आप डाले वीडियो इस पे भी डाल सकते हैं, वीडियो बना के यूट्यूब पे भी डाल सकते हैं। नहीं इसका वीडियो बना के नहीं, लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं अपना वो क्या कहते हैं ऊपर से, नहीं नहीं रिकॉर्डर ऑन सर्च करके हम देखते हैं उसका क्या है, तो उसके बाद बताते हैं हम तो एक नया चाय। तो अभी फिलहाल मैं चले कपड़े लेके, मेरे भीग जा रहे मेरे नीचे, और थोड़ा सा मैं वहाँ पे कुछ शॉर्ट वीडियो भी सोचिए अपलोड कर दूँगी। ये शॉर्ट वीडियो मैं न्यू चैनल अपना क्रिएट कर रही हूँ एक शॉर्ट वीडियो के लिए। ओ माँ थक गई अब तो, सोचिए तुम थोड़ा सा पटरा मिल जाता और दो ठुकी मिल जाती, दो चाटू।
तो अभी बजे है दोपहर के 2:15 और मैं चला भी सर आए थे बच्चों के, क्योंकि बच्चों की छुट्टी हो चुकी है, छुट्टी होने के कारण बच्चों के सर आए हैं तो पढ़ाने अभी दोपहर में, नहीं तो शाम को आते थे। और अब मेरा मोबाइल हो गया था डिस्चार्ज, मैं रूम में लाइट बस बंद करके एक लाइट जलाई हूँ क्योंकि मुझे अब करना है वीडियो का एडिटिंग, आप लोग के साथ अपलोड करना है वीडियो, तो वो वाली। अब मेरे पास 2 मोबाइल नहीं है कि मैं एक मोबाइल में एडिटिंग करूँ एक मोबाइल से वीडियो बना सकूँ, तो ऐसा नहीं है। इसलिए आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिल ही नहीं रहा कि मैं कुछ आगे और भी कुछ अच्छा कर पाऊँ। तो फिलहाल देखिए, देखने वाली जो लोग देखते हैं सामने से वो अलग होता है और जो रियल जीवन होता है वो अलग होता है। दिखावटी और रियल में सभी फ़र्क है, सब जितने सभी लोग जानते होंगे ये चीज़ें। तो हाँ, तो मेरी और बहुत लोग तो वीडियो मोबाइल से कम करते हैं अपलोड, लैपटॉप वगैरह से करते हैं, बट मेरे पास लैपटॉप भी नहीं है कि मैं लैपटॉप से वीडियो अपलोड करूँ। तो आप लोग का प्यार सपोर्ट जब तक नहीं मिलेगा मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। आप लोग का अगर प्यार सपोर्ट जताएंगे तो आप लोग के साथ मैं ज़रूर अपना छोटी छोटी चीज़ें ज़रूरतों को पूरा करूँगी, आप लोग के साथ शेयर करूँगी, आप लोग को दिखाऊँगी। तभी मैं यहाँ चाय पीऊँगी और इस वीडियो को करूँगी बंद। बंद करने के बाद मैं चलूँगी वीडियो एडिटिंग करूँगी, क्योंकि अपलोड करना है कल वाला वीडियो जो मेरा घूमने का, इसमें सोची हूँ नाइट का भी ब्लॉग आप लोग के साथ बना दूँगी। कोशिश करूँगी पूरा, अगर हो जाता है जरूर करूँगी, क्योंकि अक्सर मेरा साड़ी जो ब्लॉग रहता है ना दोपहर के बाद साड़ी उतर जाती। कारण क्या होता है कि बच्चों को लेने स्कूल जाना होता है और साड़ी पहन के चलाने में गाड़ी थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसी कारण मैं साड़ी उतार देती हूँ, सूट पहन देती हूँ। तो शाम को ब्लॉगिंग साड़ी का नहीं होता, बस दोपहर तक हो जाता है। तो चलिए कोशिश करती रहती हूँ, अभी फिलहाल चलती हूँ वीडियो एडिटिंग और मोबाइल हुआ है डिस्चार्ज तो चार्ज में, क्योंकि सुबह से ना कई चीज़ें देखते। देखिए